सम्मेलन समय मृतक कयान के भाई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। कहा मेरे भाई सामान लेने बाजार गया था, मस्जिद के बाहर भीड़ ने उसे मार डाला। सम्मेलन हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन तेज, तीन और आरोपी अरेस्ट, फैजान आमिर और मोहम्मद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में धमाका, स्थानीय लोगों ने सुनी आवाज, खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर। मिठाई दुकान के पास एक स्कूटर में धमाका, ब्लास्ट के बाद दिखा धुएं का गुब्बार, 40 दिन के भीतर प्रशांत विहार में दूसरी बार धमाका। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट में एक शख्स जख्मी, सुबह करीब 12:15 बजे पुलिस को मिली धमाके की खबर। प्रशांत विहार में हुए धमाके की जांच में जुटी NSG, घटनास्थल से सफेद पाउडर जैसी चीज बरामद। 40 दिन पहले CRPF स्कूल के बाहर भी ब्लास्ट में ऐसा ही पाउडर मिला था। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की। केजरीवाल बोले व्यापारियों को वसूली के फोन आ रहे, चारों तरफ महिलाओं के साथ छेड़खानी, मर्डर, गैंगरेप के मामले, दिल्ली की छवि खराब कर रही है केंद्र सरकार। केजरीवाल का सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर अटैक, बोले दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में अमित शाह फेल, केजरीवाल को मत रोको, क्राइम को रोकिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन ने ली झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ, चौथी बार राज्य की बागडोर संभाली। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में इंडिया अलायंस के मेगा पावर शो दिखाते हुए तमाम नेता नजर आए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता पहुंचे। शपथ ग्रहण से पहले पिता शिबू सोरेन से मिले हेमंत सोरेन, पैर छूकर आशीर्वाद लिया। झारखंड की नई सरकार को राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी बधाई, कहा हम विश्वास करते हैं झारखंड देश में अच्छा प्रगति करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PM मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर लिखा आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, नाना पटोले ने कहा चुनाव आयोग ने पारदर्शिता नहीं रखी। नाना पटोले ने चुनाव आयोग से पूछा 7.5% वोट प्रतिशत 5:00 बजे के बाद कैसे बढ़ा, चुनाव आयोग इसके सबूत दे। नाना पटोले ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा चुनाव में वोट चुराने का बीजेपी ने काम किया, लोकतंत्र को खतरे में लाने का काम कर रही है भाजपा। संजय राउत ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा जनमत चुराने वालों को देश और जनता माफ नहीं करेगी, जिसका EVM उसी का डेमोक्रेसी की शेर की तस्वीर। अजमेर दरगाह के सर्वे की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार, अदालत ने माना ये याचिका सुनने योग्य। अजमेर की कोर्ट ने सभी पक्षों को भेजा नोटिस, अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस। हिंदू सेना की ओर से विष्णु गुप्ता ने दी है याचिका, अदालत से सर्वे कराकर इसे हिंदुओं को सौंपने का डिमांड। हिंदू पक्ष का दावा ये दरगाह नहीं शिव मंदिर है, 800 साल पहले मंदिर तोड़कर बनाई गई दरगाह। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा कोर्ट ने हमारे मामले को स्वीकार कर लिया है, सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर है। अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, हिंदू सेना की याचिका मंजूर होने के बाद बढ़ाई गई सख्ती। अजमेर दरगाह सर्वे विवाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, का अजमेर दरगाह में चादर भेजते हैं PM मोदी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर पर दावा करने वाले मुकदमे पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का बयान, का हर दूसरे दिन मस्जिदों और दरगाहों पर दावा करने के मामले आ रहे, ये हमारे समाज और देश के हित में नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसरुद्दीन चिश्ती बोले अजमेर का इतिहास 850 साल पुराना, मामले में केंद्र से हस्तक्षेप का किया अनुरोध। अजमेर दरगाह के सर्वे पर हो रहे विवाद पर बोले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, अजमेर को भी संभल बनाने की साजिश रची जा रही है। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा नहीं पूरी होगी मुराद, दरगाह थी और रहेगी। अजमेर में मंदिर होने के दावे के केस पर बोले राम गोपाल यादव, सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, बोले अर्जी पर माननीय कोर्ट ने आदेश जारी किया है, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक इस पर शांत रहना चाहिए। बजट सत्र तक बढ़ाया गया वक्त, संशोधन विधेयक के लिए गठित JPC का कार्यकाल, संसद में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पास। प्रियंका गांधी ने पहली बारी सांसद पद की शपथ, वायनाड लोकसभा सीट से चुनी गई हैं प्रियंका। सदन की कार्यवाही शुरू होते 11 बजे प्रियंका गांधी ने ली है शपथ, संविधान की कॉपी हाथ में लेकर ली शपथ। मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद पहुंची प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे भी संसद पहुंचे। संसद के मकर द्वार पर प्रियंका का फोटो लेते दिखे राहुल गांधी, शपथ लेने के बाद संसद के बाहर निकली प्रियंका गांधी। सांसद के रूप में शपथ लेने पर प्रियंका गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद, प्रियंका गांधी ने कहा मैं बहुत खुश हूं। प्रियंका गांधी को लेकर सचिन पायलट का बयान, मजबूत सांसद के साथ साथ देशभर की महिलाओं और युवाओं की एक मजबूत आवाज बनेंगे, उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण पर बोले शशि थरूर, मुझे खुशी है क्योंकि हमने उनके लिए प्रचार किया था, शपथ ग्रहण में उन्होंने केरल की साड़ी भी पहनी। संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने जताई नाराजगी, कहा यह विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, आखिर विपक्ष क्या दिखाना चाहता है। 6 राज्यों में NIA का तलाशी अभियान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर 22 स्थानों पर तलाशी जारी। मणिपुर के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, NH-37 NH-2 पर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी नेटवर्क पर सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 17 स्थानों पर छापे में आतंकियों के 10 मददगार गिरफ्तार, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, मेंढर में आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। भारत ने समंदर में दागी K4 बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघट से किया लॉन्च, विशाखापत्तनम के तट पर हुआ टेस्ट। जमात ए उलेमा हिंद के अध्यक्ष और ममता सरकार में मंत्री का बयान, कहा वक्फ बिल सीधे तौर पर इस्लाम पर हमला, यह संविधान और स्वतंत्रता के खिलाफ है। दिल्ली NCR में स्कूलों को छोड़ सोमवार तक लागू रहेगा ग्रेफ 4, बढ़ते प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश।